आज की वीडियो में हम सभी विटामिन के बारे में देखने वाले हैं जिनसे रिलेटेड कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका रासायनिक नाम देखने वाले हैं, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है और वो किस किस से मिल सकता है, मतलब अगर आप में कमी है खा के वो प्राप्त कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है विटामिन टॉपिक से परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल। विटामिन से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है। तो फर्स्ट जो ए विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है रतौंधी, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन गाइस कंपटीशन एग्जाम। इसके जो स्रोत होते हैं मतलब किस किस से मिलता है, गाजर, दूध, अंडा, फल, जितने फल होते हैं सबसे मिलता है। फिर विटामिन बी वन, इससे भी पूछा जाता है, रासायनिक नाम इसका थायमिन पूछा जाता है कई बार, कमी से इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बेरी, और इसका स्रोत है मूँगफली, आलू, सब्जियाँ। फिर नेक्स्ट जो अपना विटामिन है उसका नाम है विटामिन बी टू, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। गाइस आपको रासायनिक नाम जरूर याद होना चाहिए, हर बार मतलब कंपटीशन एग्जाम में इनके रासायनिक नाम से पूछा जाता है। फिर इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो जगह फटना और आँख का रोग, और स्रोत होता है अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ। फिर नेक्स्ट है विटामिन बी थ्री, इसके रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पैरों में जलन होती है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कौन से के कारण विटामिन बी थ्री। गाइस ध्यान रखना, अभी सभी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ये भी आप देख सकते हो। ये किससे मिलता है, मांस से, दूध से, टमाटर, मूंगफली। फिर नेक्स्ट जो अपना विटामिन है वो है बी फाइव, जिसका रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड, इसको नियासिन भी बोलते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, मासिक विकार, पेलाग्रा होता है, स्रोत होता है मांस, मूंगफली, आलू। फिर नेक्स्ट विटामिन बी सिक्स, इसका रासायनिक नाम है पाइरेडोक्सिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है एनीमिया, ये और त्वचा रोग, स्रोत है दूध, मांस और सब्जी। फिर नेक्स्ट जो अपना विटामिन है उसका नाम है विटामिन बी सेवन, रासायनिक नाम है इसका बायोटिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बालों का गिरना, चर्म रोग। फिर है इस स्रोत इसका यीस्ट, गेहूं, अंडा, यह इससे आप इसको प्राप्त कर सकते हो। फिर नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी ट्वेल्व, जिसका रासायनिक नाम है रासायनोकोबाल्मिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है एनीमिया और पांडु रोग, और इसके स्रोत कौन कौन से है, मांस, कजेली, दूध। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन सी, रासायनिक नाम उसका एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी और मसूड़ा का फूलना। इसका जो स्रोत है वो क्या है, आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। इसकी विटामिन सी के स्रोत जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं सारे होते हैं इसके स्रोत। फिर नेक्स्ट विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, और इसका स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। फिर नेक्स्ट विटामिन ई, इसके रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, जनन शक्ति कम हो जाती है, विटामिन ई की कमी से आपकी जनन शक्ति कम हो जाती है, ध्यान रखना। इसका स्रोत होता है हरी सब्जी, मक्खन, दूध। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के, लास्ट विटामिन है, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रक्तघात का नहीं बनता, और इसका स्रोत है टमाटर, हरी सब्जी है, दूध। तो गाइज आज की वीडियो में हमने लगभग सारे विटामिन देख लिए, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। अगर मैं आपको इनमें बताऊं कि वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल कौन से है, ए डी ई के तो फैट सोल्यूबल है, और विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स वाटर सोल्यूबल है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो बन जाएगी, वीडियो बन जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दे, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पर्सनली वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगा। वीडियो बन जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पर जा रहा, आप मेरी वीडियो देख सके। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।